नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाब के जिला लुधियाना में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि बदमाशों ने एक ही घर में दो बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले 18 अक्टूबर को घर में ग्रिल तोड़कर एंट्री की। बदमाशों ने पहले दिन LED व कुछ अन्य सामान चोरी करते हैं। इसके बाद फिर अगले दिन 19 अक्टूबर को चोर घर में दाखिल होते हैं। ये घटना थाना सराभा नगर के इलाके की है। बदमाश घर से सोने के गहने, लैपटॉप 27,000, बाथरूम में लगी टोटियां तक चुरा कर ले गए। मकान मालिक इंद्रपाल सेठी ने बताया कि वह बेटी के पास उसे मिलने दिल्ली गए हुए थे। 22 अक्टूबर रात जब वह घर आए तो हैरत में पड़ गए। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, अलमारियां खुली पड़ी थी और गहने व अन्य सामान चोरी हो चुका था। उन्होंने तुरंत PCR दस्ते को सूचित किया। मौके पर पहुंच कर्मचारियों ने थाना सराभा नगर की पुलिस को जानकारी दी। 22 अगस्त उसी रात तुरंत थाना पुलिस अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी। इंद्रपाल के मुताबिक उनके पड़ोसियों के घर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें बदमाश घर में दाखिल होता दिखा। बदमाश पहले 18 अक्टूबर को औजारों के साथ घर में घुसे। उसी दिन उन्होंने घर की ग्रिल तोड़ी और LED आदि सामान चुराया है। अगले दिन चोर फिर से घर में दाखिल होते दिखे। पुलिस को दोनों दिनों की CCTV फुटेज मिल गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान जल्द कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घर के मालिक का कहना है कि चोरों ने तसल्ली बख्श वारदात को अंजाम दिया। चोर करीब 3 लाख का सामान चुरा कर ले गए हैं। बता दें कि पुलिस ने करीब 8 दिन के बाद मामला दर्ज किया है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।